हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं बहुत कुछ कवर कर चुका हूँ आपका लॉजिक बिल्डिंग और पाइथन का थोड़ा बेसिक। तो हम यहाँ पे फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे और मैं ये भी बता चुका हूँ कि हमारा फ्लो चार्ट क्यों इतना ज़रूरी होता है हमें समझना किसी भी प्रोग्राम को। तो बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रोग्राम सॉरी ये एक फ्लो चार्ट जिस जो है दो नंबर्स का सम करने का, ठीक है। अब हम सबको ये पता है क्योंकि हम अपनी पिछली वाली वीडियो कवर करके आए, तो उसमें ये पता है कि फ्लो चार्ट कितना ज़रूरी होता है जिससे हमारे लॉजिक वगैरह अच्छे होते हैं। तो ये भी पता है कि ये जो चीज़ है ये टर्मिनेटर का काम करता है, ये स्टार्ट और स्टॉप, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि वर्क कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हमने किया यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये शेप इसकी एलिप्स है। अब ये पैरेललोग्राम ये कह रहा है कि रीड एक्स एंड वाई, क्योंकि गाइस क्या होता है कि हम अगर हमें कोई दो नंबर ऐड करने हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने माइंड में दो नंबर लेके आते हैं, जैसे मान लो 20 और 21। अब दो नंबर लेके आए, हम इसको अपने माइंड में रखेंगे तभी तो ऐड कर पाएंगे कि हाँ यार 20 और 21 का सम मुझे करना है। तो हमें ऐसे ही अपने इंटरप्रेटर या कंपाइलर को यह बताना पड़ता है कि हमें दो नंबर चाहिए और हमें उसको कंप्यूटर में स्टोरेज कहीं तो सेव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पीसी में सेव करेंगे उन दो नंबर को तभी तो वो हमें उसका सम करके देगा, उस पर एक्शन परफॉर्म करके देगा। तो हमने ये दो नंबर अपने रखे, हमने इसको एक को नाम दे दिया एक्स और एक को नाम दे दिया वाई, ठीक है, क्योंकि हमने कंप्यूटर को बता दिया कि एक्स में हमने 20 रखा और वाई के अंदर हमने 21 रखा। तो ऐसे है ये रीड मतलब ये मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ है इनपुट आउटपुट के लिए है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि फ्लो चार्ट का बेसिक, उसके बाद से ये वाली वीडियो आप मेरी आगे की वीडियोज फॉलो करना। अब रीड एक्स और वाई क्या हुआ कि हमने यूज़र से एक दो नंबर ले लिए कि भाई तुम हमें दो नंबर दे दो, उसने दे दिया एक 20 और एक दे दिया 21। अब यहाँ पे ये जो है रेक्टेंगल ये बताता है कि कुछ प्रोसेस करना, तो प्रोसेस क्या किया, अब हमने x प्लस वाई कर दिया, जो x और y प्लस हुए हैं वो कहाँ पे आ गए, अब वो सम नाम के वेरिएबल के अंदर आ गए, sum सम नाम के वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, यही है वेरिएबल कि x नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू, मतलब वेरिएबल ये होता है कि जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, मतलब चेंज करती रहती है। अब इसमें x नाम के वेरिएबल में मैंने 20 डाल दिया, आप हो गई तो कॉन्स्टेंट डाल दिया इसके अंदर 20, अब इसकी तो वैल्यू 20 होगी। लेकिन गाइस मैं चाहूँ तो बाद में x को 42 भी कर सकता हूँ, 50 भी कर सकता हूँ, मैं x की कितनी भी वैल्यू आगे चेंज कर सकता हूँ। तो वेरिएबल इसीलिए इसको बोला जाता है कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अब ज़रूरी नहीं कि वैल्यू ये इंटीजर हो, तो अब इंटीजर और स्ट्रिंग वगैरह आप समझ सुन के मतलब कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ये आने वाली वीडियोज़ में मैं कवर करता जाऊँगा कि इंटीजर क्या है, डेटा टाइप्स क्या है सारे। तो फिलहाल अभी फ्लो चार्ट समझते हैं। तो x प्लस वाई किया मैंने सम नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया, मतलब कि मैंने एक सम नाम की जगह बनाई और उसके अंदर मैंने x और y को प्लस कर दिया, और x और y को प्लस करके मेरा सम आया 41। अब ये 41 जो आया ये कहाँ पे, ये सम नाम के उसमें है वेरिएबल में, ठीक है। अब जो सम नाम का वेरिएबल है उसको मैंने कर दिया प्रिंट, प्रिंट मतलब स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, मतलब आउटपुट में शो हुआ है। और ये क्या था, ये था इनपुट, ये इनपुट पे शो हुआ, रीड करा मतलब मैंने इनपुट लिया यूज़र से कि भाई तुम इनपुट करो इसमें, और ये मैंने आउटपुट कर दिया मतलब स्क्रीन पे शो कर दिया हमारे मॉनिटर पे, और जब आउटपुट हमारा सम शो हो गया तो हमने इसको कर दिया स्टॉप। तो ये तो था गाइस बेसिक प्रोग्राम। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो आप खुद से करना, और पूरी सीरीज़ में ऐसे चलता रहेगा, मतलब मैं आपको क्वेश्चन दिया करूँगा असाइनमेंट के तौर पे और आपको वो सॉल्व करना है, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कमेंट डाउन करो और कमेंट में आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे से शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड प्रेस बेल आइकन बटन फॉर न्यू नोटिफिकेशन।